नमस्कार, आज से हम एक नए सेगमेंट की स्टार्ट कर रहे हैं और यह सेगमेंट बेस्ड है न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल आते हैं उस पर। और इसमें न्यूज़पेपर के रूप में हम द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, तो इसमें छपे हुए एडिटोरियल और आर्टिकल्स को इस वीडियो का हम आधार बनाएंगे। आज के इस वीडियो में हम जिस एडिटोरियल पर विचार करेंगे वह एडिटोरियल है द हिंदू से और इसका शीर्षक है इन द सेक्रेसी। अब यह हमारे किस पेपर के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है? यह महत्वपूर्ण है हमारे जीएस पेपर 2 में, जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उसके दृष्टिकोण से यह एडिटोरियल काफी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं इस एडिटोरियल को विस्तार के साथ। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि इसका शीर्षक क्या है, तो इसका शीर्षक या हेडिंग है एंड द सेक्रेसी, और इसमें मुख्य रूप से फोकस्ड है भारत और कनाडा के बीच के डिप्लोमेटिक रिलेशन पर। अब जैसा कि हमें पता है कि भारत सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि फिर से कनाडा के साथ ई वीजा को प्रारंभ कर लिया जाए। अब ठीक है, इसका वैश्विक स्तर पर इस निर्णय की सराहना की जा रही है, लेकिन इसको रिज्यूम करने की जो बात आ रही है वह इसलिए आ रही है क्योंकि सितंबर माह में जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के संसद में भारत पर यह आरोप लगाया था कि खालिस्तानी लीडर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या जो कनाडा में की गई थी उसमें भारत के द्वारा एक मास्टरमाइंड की भूमिका निभाई गई थी, और यह स्टेटमेंट कनाडा के प्रधानमंत्री के द्वारा कनाडा की संसद में दिया गया, वहीं से भारत और कनाडा के बीच के राजनीतिक संबंधों में खटास प्रारंभ हो गई और हालात ये हो गए कि भारत ने एक झटके में कनाडा के साथ अपने राजनयिक संबंधों की स्थिति को काफी कम या काफी कमजोर किया। और तो और, भारत ने कनाडा के वीजा को कैंसिल किया और कनाडा सरकार से यह डिमांड की कि भारत में उनके जो डिप्लोमेट की संख्या है उस संख्या में वह गिरावट करें और वह गिरावट 2/3 तक होनी चाहिए। उसके बाद कनाडा के 40 से ज्यादा डिप्लोमेट्स और उनके जो परिवार हैं वो हिंदुस्तान से वापस चले गए, और साथ ही साथ कनाडा के द्वारा वीजा इश्यूएंस की जो उनकी कैपेसिटी थी कनाडा सरकार की, उसको भी कम कर दिया गया। अब जैसा कि हमने शुरुआत में क्या बात की, हमने शुरुआत में यह बात की थी कि भारत के द्वारा फिर से कनाडा के संदर्भ में ई वीजा को रिज्यूम किया गया, मतलब उसको प्रारंभ किया गया। लेकिन यहां पर एक बात और भी ध्यान देने की है कि सर्टन कैटेगरी ही जो वीजा की है उसको रिस्टोर किया गया है, अभी भी ई वीजा और जो टूरिस्ट वीजा है उसे प्रारंभ नहीं किया गया है, क्योंकि भारत सरकार को यह डर है कि वहां पर जो भी इंडियन डिप्लोमेट्स हैं कनाडा में उनको खालिस्तानी ग्रुप से खतरा हो सकता है। अब देखिए, जब भारत के द्वारा कनाडा के प्रधानमंत्री के द्वारा संसद में जो भी स्टेटमेंट दिए गए और उसके बाद भारत सरकार के द्वारा जो कार्रवाई की गई, तो भारत और कनाडा के बीच के राजनीतिक संबंध में गिरावट आई। और यह जो गिरावट आई वो किस स्तर तक आई है उसको देखिए। दोनों देशों के बीच में ट्रेवल वीजा है उसमें कमी आई, और साथ ही साथ बिजनेस और इन्वेस्टमेंट वह भी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। और वो इस तरीके से देखिए कि कनाडा ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से संबंधित जो बातचीत चल रही थी उसको भी सस्पेंड कर दिया था, और सस्पेंशन का कारण वही था कि खालिस्तान के लीडर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या। जबकि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर और कनाडा के जो विदेश मंत्री हैं वो सितंबर माह में अमेरिका में मिले भी, लेकिन उसके बावजूद भी भारत और कनाडा के बीच में राजनीतिक संबंधों में जो खटास थी वो खटास मौजूद रही। अब इन सबके बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना हो रही है, वह घटना क्या है? वह घटना है कि वाशिंगटन मतलब अमेरिकी सरकार के द्वारा एक नई कंट्रोवर्सी को जन्म दिया गया है, और वो कंट्रोवर्सी है एक रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट को लेकर वाशिंगटन का या अमेरिकी सरकार का यह कहना है कि सिख फॉर जस्टिस का लीडर जिसका नाम है गुरपतवंत सिंह पन्नू, तो गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की एक साजिश रची जा रही थी और इसमें भारत सरकार की एजेंसी की भूमिका थी, और यह हत्या ठीक उसी तरीके से हो जाती जिस तरीके से निज्जर की हत्या की गई। रही बात पन्नू की, तो पन्नू ये अमेरिका और कनाडा का ड्यूअल नेशनल है, मतलब दोहरी नागरिकता इसके पास है, और भारत में पन्नू वांटेड है,
और वांटेड किस मामले में है? एक तो भारतीयों और भारतीय डिप्लोमेट्स के खिलाफ हिंसा भड़काने का उस पर आरोप है जो भारत सरकार के द्वारा लगाया गया है। साथ ही पन्नू ने जो भारत में ट्रेवलर्स हैं उनको यह धमकी दी थी कि वो नवंबर 19 के बाद एयर इंडिया की फ्लाइट को नहीं लें, क्योंकि नवंबर 19 के बाद कभी भी एयर इंडिया की फ्लाइट्स में बॉम्ब विस्फोट हो सकता है। अब ये जो बात पन्नू ने कही है उसको लोग याद करते हैं 1985 की उस घटना से जिसमें कि एयर इंडिया फ्लाइट 182 में बॉम्ब विस्फोट हुए थे और उसमें 329 लोग मारे गए थे। कनिष्क बॉम्ब कांड के रूप में भी जाना जाता है। अब यहां पर क्या है कि जो वाशिंगटन ने या जो व्हाइट हाउस ने भारत सरकार पर जो आरोप अभी लगाया है, जो स्टेटमेंट दिया है, उसमें यह भी बात यह कह रहे हैं कि जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जून के महीने में वाशिंगटन की यात्रा पर थे तब उनके साथ इस मुद्दे को जाहिर किया गया था, इस मुद्दे को सामने रखा गया था। अब देखिए इसमें क्या है कि यह क्या दर्शाता है वह देखिए। पहली बात तो यह है कि यह दर्शाता है कि जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट का जो मुद्दा है, जो इशू है, वो फिलहाल समाप्त होने वाला नहीं है और वो भी तब समाप्त नहीं होने वाला है जबकि नई दिल्ली लगातार 2+2 डायलॉग कर रही है अमेरिका के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ। और 2+2 डायलॉग का मतलब यहां पर यह है कि दो देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रियों की आपस में जो बैठक होती है उसे हम कहते हैं 2+2 डायलॉग। और एक महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि जब कनाडा सरकार के द्वारा भारत पर आरोप लगाया गया था तो फिर भारत सरकार ने उसको कोई भी इंटरटेन नहीं किया था और भारत सरकार ने कनाडा के इस एलिगेशन या इस आरोप को एब्सर्ड और मोटिवेटेड कहा था, जबकि अमेरिका के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है उस पर भारत सरकार के द्वारा प्रतिक्रिया दी जा रही है। वह इस तरीके से दी जा रही है कि जब अमेरिका सरकार के द्वारा भारत पर आरोप लगाया गया तब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री मतलब विदेश मामलों के मंत्रालय के द्वारा एक स्टेटमेंट को जारी किया गया जिसमें यह बात कही गई है कि अमेरिका के द्वारा जो आरोप भारत पर लग रहे हैं या जो यूएस का जो इनपुट है उसको भारत सरकार के द्वारा उसकी जांच की जाएगी और अगर जरूरत पड़ी तो आवश्यक कदम भी उठाए जाएंगे या उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब यहां पर यह है कि बेशक जो खालिस्तानी मुद्दा है वह भारत के लिए या भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर मसला जरूर है, लेकिन यहां पर यह भी महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार के द्वारा दो देशों के द्वारा लगाए गए जो आरोप हैं उस पर जो अलग अलग प्रतिक्रिया दी जा रही है उस पर क्या रहस्य है, इस रहस्य से भी पर्दा उठाना चाहिए। तो इस पूरे एडिटोरियल में हमने यह बात की है कि कनाडा और भारत के बीच में जो राजनीतिक खटास है और उस राजनीतिक खटास के बीच में अमेरिका के द्वारा जो अभी भारत पर आरोप लगाए गए उस पर जो भारत सरकार की प्रतिक्रिया है तो वह प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए और ओवरऑल इस मामले पर भारत सरकार का क्या रवैया होना चाहिए उसको जाहिर करना भारत सरकार के लिए काफी जरूरी है। तो इस प्रकार अपने एडिटोरियल से संबंधित इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आगे हम और भी कुछ नए एडिटोरियल को लाएंगे जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी होने चाहिए। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।